राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर नहीं है तो भाई साहब अपना ध्यान रखो। नई दिन की शुरुआत हो गई है गंगा किनारे से ही, और रात को जहाँ हमने डिनर करा था वहीं आ गए भाई साहब ब्रेकफास्ट करने। रूम में ज़्यादा शूट करा नहीं क्योंकि चेकआउट करना था जल्दी, बच्चों के साथ आपको पता हो नहीं पाता है। अब आ गए अपने वही 5 स्टार, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं कर नहीं रहा। 5 स्टेट्स ब्रो, 5 स्टेट्स। ओके ब्रो, सेक्सी देखो बाहर खड़ी है। बड़ा भी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है जी। भाई साहब वही अपना पुराना अड्डा, खूबसूरती देख रहे हो भाई साहब, खूबसूरती चेहरे से टपक रही है भाई साहब। रेडी लॉक करो। उन्होंने लास्ट से लास्ट वॉक में कहा था कि मैं कोरियन, ठीक है, कि मैं चाइनीज चीज़ें मंगाती हूँ। फ्राइड राइस जब मैंने मंगाई थी, तो फ्राइड राइस किसने मंगाया? किसने मंगाया ना वो तो आई तब कौन हुआ फिर? मैं कोरियन और वही बंदा देखते थे क्या हुआ? चावल ना हमारे हिंदुस्तान की पैदाइश है, कोरियन की नहीं है। हाँ वो तो मुझे पता है, पर जो उस दिन जब मैंने मंगाए थे, जब मैंने उस दिन मंगाए तो फिर मेरे पे इतनी एलिगेशन क्यों लगे? तेरी एलिगेशन इतना भारी बरकम। हिंदुस्तान में पैदा होता है चावल, फ्राइड राइस हमने बनाया, उन्होंने हमारी कॉपी करी है। चढ़ाओ खाना, आ रहा भी खाना खा रहा भी, प्लेट ठाक रहे हैं भाई साहब। वही परांठे फ्राइड राइस जो मंगाया था, और बैंगन का वो आ रहा है सूप, खाते हैं फिर निकलते हैं आगे नील वाटरफॉल पे। चलो ब्रेकफास्ट तो सारा हो गया, कुछ ज़्यादा खा लिया यार। अब जा रहे हैं सीधा नील वाटरफॉल है, देख आए बहुत टाइम से ऋषिकेश आ रहे थे बट गए नहीं थे, आज इस बार ही चले ही जाते हैं यार। साथ की एक ये है मना कर रही है हमें, इसको हमने बोल दिया तुझे उतार देते हैं अपने आप आ जा दिल्ली, ठीक है, कहती पैसे दे, तो मैंने कहा नहीं पैसे भी नहीं देंगे, तुझे पैदल आना पड़ेगा। पैसे हैं बस 40 रुपये, शराब। चलो चल रहे हैं यार, दिखाते हैं आपको वाटरफॉल। वैसे तो मोस्टली लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ, मुन्नी की रेती से आप जैसे ही आगे जाओगे शिवपुरी से पहले लेफ्ट हैंड पे ऊपर रोड जा रही है। अब ये पूछोगे मुन्नी की रेती कहाँ है, तो गुरुद्वारा श्रीनगर का जैसे ही पार करोगे आप आगे आओगे, चौक आता है जो एक गंगोत्री की तरफ रास्ता कटता है, वही सीधा जाओगे फिर आगे घंटाघर आता है। घंटाघर नहीं है, पहले घंटाघर था, चौक बना दिया, वो हॉस्पिटल आता है टी पॉइंट से, वहाँ से आपने राइट फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट ऊपर चढ़ जाना। ऊपर वाला ऊपर नहीं भाई, वाटरफॉल वाला ऊपर, ठीक है। चलो ऊपर वाली रोड पे दिखा दूंगा अभी मैं बाहर से आपको, बाहर वैसे बोर्ड लगा हुआ है। हाँ एक तो वो पानी में चलाने वाली, मतलब 5500 रुपए का पैकेज दे रहे हैं जिसमें पंजी जंपिंग हो गया है, जिप लाइनिंग हो गया, और आपका मेरे ख्याल से साइकिलिंग रोड तार के ऊपर साइकिलिंग कराएंगे, और एक और कुछ है। सोनम कह रहे हैं 5500 में एक बंदा है, मैंने बता दिया, मैंने थोड़े गली के पूरे बंदे ने 5500, ठीक है थोड़े रिश्तेदार सब बुला लो आज 5500 अच्छी कॉम्बो ले लिया। शॉपिंग नहीं कराई यहाँ मिलता क्या शॉपिंग के नाम पे? यहाँ पे अगर स्कूटी वगैरह किसी को रेंट पे लेनी हो 500 रुपये लेते हैं स्कूटी के, और 1000 रुपये बुलेट के, और एक हिमालयन आती है हैवी बाइक जो होती है वो 1200 या 1500 के हिसाब से लेते हैं उसका। अनुदे प्रधान कितना निकलता गया, ये रास्ता आता है ये लिखा हुआ ना नीर वाटरफॉल। एक सेकंड होल्ड रखना यार, पहला गेट डाल दे दीदी, ये ले बेटा रिकॉर्ड कर सामने से ऊपर करके, हाँ ऐसे ही लंबा लंबा कैमरे से हाथ डाल, ये जा रहा है रोड जी ऊपर नीर वाटरफॉल के लिए। अब ट्रैक है नहीं है मुझे पता नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, जैसा होता मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसी बात पे बोल दो फिर जय सिया राम। रास्ता तो राम 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 राम। बस ये एंट्री फीस है, अगर आप अंग्रेज हो, अबे आगे चढ़ो लालपुरी, अगर आप अंग्रेज के बच्चे हो तो भाई साहब 50 रुपये पर्सन है, अगर आप हिंदुस्तानी के बच्चे हो तो आपके 30 रुपये है, बच्चों का हाफ है। वैसे तो ये 8 साल की, मैंने बोल दिया 6 साल की, कहता लगने से क्या होता भाई, हमारे बच्चे हमें पता नहीं कि आधी टिकट दे। चल सोनम जी गए हैं टिकट लेने, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैक है कह रहे हैं 25 कदम, तो मान लो आधा किलोमीटर तो होगा। चलो जो खाया हजम तो हो जाएगा यार, नहीं भाई रिधि भाई रिधि बोलेगी सही है ना, ऐसी कोई टिकट मिलेगी भाई साहब आपको, ठीक है मेरा नाम मत लेना, फ्री नहीं देंगे आपको, तब भी पैसे लगेंगे।
और भाई साहब रास्ता थोड़ा टाइट होगा इधर ऊपर आने का, अगर गाड़ी लेके आ रहे हो ना थोड़ा हिसाब से ही आना, आराम से आना, मतलब कहने का ये है रास्ता एक तो छोटा है, ये देखो सिर्फ गाड़ी भर का है। हाँ अगर आप जय श्री राम कहते आओगे तो फिर तो आप आराम से आ जाओगे। गाड़ी आ गई तो फिर क्या ब्रेक लगेगी और क्या टुकुमा तोड़ दो उसमें। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो गया, यहाँ से आप गाड़ी लेके आओगे यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो गया, ज़्यादा नहीं है आधा किलोमीटर जितना ही है, यही लाना शुरू कर दूँ मैं तो। क्या कह रहा है शेर पानी में जाएगा। फिर से हाँ। क्या शेर हाँ। पानी में जाएगा हाँ। जितना शेर शेर कर रहा है ना तू। वैसे अलग से ये बना रखे हैं अगर आप चाय मैगी कुछ इंजॉय करना चाहते हो कह सकते हो। अरे सोनम एक्सरसाइज हो रही है तुम्हारी आज तो, अगाजी हाथ पकड़ बेटा ऐसे नहीं चलना, हाथ पकड़ो बस पहुंच गया अब तो आ ही गया। ओए दादगी जिम जाना है, जिम जाना भी कहती है मैंने बस जी। ये पहुंच गए हम, आधा किलोमीटर भी नहीं है यार, मैंने हार्डली 200 मीटर है, मैं तो ऊपर तक जहाँ मर्जी चले जाओ पूरा ही है, तो फायदा नहीं होता जाने का। मैगी पॉइंट वगैरह यहाँ भी बनाए हुए, पानी तो साफ है यार पूरा एकदम। चलो भाई नहा धो के अब आगे निकल रहे हैं, पर जो भी है मजा आ गया यार, है कार्तिक आया मजा तेको हाँ। कितना मजा आया, बहुत ज्यादा आया। और ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग है ना साले, रोड के बीचों बीच ब्रेक मार लेंगे, इनको पता ही नहीं होता कहाँ जाना है, इनको पता क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सी कंपनी। समझदार समझ जाएंगे ठीक है जी। अब चल रहे हैं सीधा दिल्ली को, बद्रीनाथ यात्रा अभी संपन्न तो नहीं है, जब तक घर जा रहे हैं, घर पहुंच जाएंगे फिर संपन्न कर देंगे। बाकी मैं और कार्तिक ही नहाए, कार्तिक ना आ रहा था, मेरा नहाने का मन नहीं था, थोड़ा जुखाम सा लगा हुआ था, पर इसको देख के लालच आ गई अंदर से, डैश तो हम आई तो ना बैठे हुए ठीक है जी। तो खाना खोना तो खाना नहीं क्योंकि रज्जे पुज्जे पे हैं उन सीधा दिल्ली नू ठीक है जी। बाकी आया मजा सो, बहुत मजा आया, हाँ बेटा कितना अच्छा स्विमिंग कर रहा था। अब हम जब भी उत्तराखंड आया करेंगे ना, कहीं भी केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाए, कहीं भी निकला करेंगे, पहले यहाँ पे दर्शन करके फिर आगे जाया करेंगे, दर्शन करके गर्मी में निकले नहा के फिर उसके बाद आगे जाएंगे। वैसे सोन वगैरह भी नहा सकते थे, कमरा तो चेंजिंग रूम था, लेकिन पता नहीं था ना, एंड टाइम पे पता नहीं, कुछ उठा के नहीं ले गए ऊपर। पर ये चीज देख लेना ऊपर जाके, हालांकि आपने सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाना, पर तुम्हारे नेटवर्क गैप हो जाएंगे ऊपर बिल्कुल ही, पानी भी पूरा साफ है, एकदम साफ क्लियर क्रिस्टल क्लियर, बस अपना टॉवल और कपड़े ले जाओ और आराम से। बाकी चलते हैं, अब ज्यादा शूट करूंगा नहीं, सीधा थोड़ा प्लेन पे आ जाओ, अब पुलिस वाला खड़ा है
मामा लग जाएंगे साढ़े की है या बाकी सीधा प्लेन पे शूट कर रहा हूँ, शूट करूंगा ठीक है। और जवान इसलिए लड़खड़ा रही है क्योंकि पुलिस वाले खड़े थे पीछे। बोलो जय सिया राम। कार्तिक तूने नहीं बोला जय सिया राम, बोल चलते हैं अब सीधा। ये थोड़ा पहाड़ी वापसी आया था मैं, रूट पे ऊपर उतरा बद्रीनाथ वाले रूट पे, वहाँ पे है मतलब ऋषिकेश से ऊपर ये 6 किलोमीटर है, नील वाटरफॉल कहते हैं इसे, वो तो गूगल भी कर लोगे तो आपको रूट बता देगा सारा। अब चलते हैं देखते हैं, थोड़ा गाड़ी खींचता हूँ, थोड़ा टाइम से पहुँच जाए अंधेरे से पहले हो सका तो, वैसे भी दिल्ली जाके जाम में तो लाइनों में लगना ही है। ठीक है जी, ये चौक कह रहा था, आप यहाँ से सीधा हो गए ना ये टक्कर पे हॉस्पिटल आता है, यहाँ से आपने राइट लेना है बस। अब चलते हैं जी, मिलते हैं हम आगे। और ब्लॉग यहाँ तक अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपने क्या करना है, आपने लाइक करना है, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है, पुराने हो तो फिर शेयर भी करना है ठीक है, और ज़्यादा पुराने हो तो कमेंट भी करना है ठीक है जी। भाई मैं भी यहाँ फर्नीचर की दुकान कर लूँ आने वाले टाइम में, देखना ऋषिकेश में जिसने भी फर्नीचर लेना होगा यहाँ पर लिखा होगा, किस नाम से करूँगा यहाँ पर नाम चेंज कर दूँगा, यहाँ पर नाम रखूँगा मैं कार्तिक फर्नीचर। ऑर्डर करेगा खाना नहीं है ढोलकी के फर्नीचर ऑर्डर करूंगा। फ्यूचर प्लानिंग चल रही है बेटा, फ्यूचर पर होना तो वही है जो भगवान ने चाहा है, सोच तो सकते हैं पर आज का सोचो, आज का ये आप घर जा रहे हैं, रास्ते में खाना खाएंगे फिर घर जाएंगे। अभी यहाँ इस रूट पे ये है मतलब रुड़की पार करते ही आपको अमरूद वाले दिखेंगे मौसम के हिसाब से, और जब गर्मियों में आओगे तो आम वाले दिखेंगे। पहले तो मैं स्ट्रॉबेरी, पहले तो मैं देहरादून आता था आम की पेटी लेके आता था याद है सुन, अभी अमरूद लिए थे अभी 2 किलो, पापा का फोन आया कहता है मेरे लिए अमरूद लेता आइयो भाई, क्योंकि उनको फेवरेट है पापा के अमरूद, पापा के लिए भी ले लिए अपने लिए भी ले लिए, बट 1 किलो तो मुझे लगता तो मेरठ तक ही ख़त्म कर दोगे, आगे से घर के लिए लेने हो तो ले लेना। अभी शिकंजी पी थी रास्ते में, मज़ा नहीं आया यार, इससे बढ़िया सोनम सही कहते जैन वाले की पी लेते, वो जो टोल से पहले आता ना असली शिकंजी में जैन, वैसे तो इस रोड पर सारे जैन शिकंजी वाले हैं, न्यू जैन शिकंजी ओरिजिनल जैन शिकंजी, पर जो असली है जो मेन एक्सप्रेस वे चढ़ने से फ्लाईओवर से पहले जो उल्टे हाथ पे आएगा ना बड़ा सा, वो असली है। देखते हैं वहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, अभी रास्ते में भगत जी वाले आएंगे, भगत यहाँ से आते समय तो मैंने आपको बताया था क्योंकि मीठा बहुत लेके आया हुआ था, अब बालूशाही पैक करानी है, कम से कम 4-5 डब्बे तो लेने पड़ेंगे। किसके लिए? बाबा अपना, बस हो गए दो बंदे, फिर अपना, फिर अपना, फिर एक बारी और अपना, और फिर दियर इंपी दे दे उनके लिए तो लेना पड़ेगा यार, इस वाली भाई के लिए भी ले जाएगा विक्की के लिए है, भाई के लिए भी ले गया तो उसको भी टेस्ट कराते हैं मजा आ जाए। जब यहां से आओगे ना देयर ऋषिकेश से उस तरफ तो सलाद मूली में मसाला भर के लगा रहे हैं वो भी, ये मौसम के, हां ये मौसम के हिसाब से ये सब चीज अच्छी लगती है। बाकी चल रहे हैं अभी दिल्ली पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से 7 बजे तक, तो घर के अंदर एंट्री मार लूंगा सीधा दुकान पे, एक बार दर्शन दे के खोरे खा लो चल रहे हैं ठीक है। बाकी खेत खलियार देख रहे हो भाई सर, खेत खलियार सड़क है भाई, चलाते चलाते गाड़ी थक गया था, ये गन्ने के खेत देख रहे हो, इधर गन्ने के खेत और इधर गन्ने का रस, ताजा रस मिल रहा है, मैं चल पी के चलते हैं, मैं देख रिकॉर्डिंग हो भी रही है नहीं हो रही, पीछे रिकॉर्डिंग कर रहा ऑन ही नहीं करी हुई थी रिकॉर्डिंग। भाई साहब जिसने गन्ने का रस पीना हो संपर्क करें, अपनी दुकान खुल गई है। मज़ा आ गया यार गन्ने का रस पी के, पर एक चीज़ मैंने देखी है गांव वाले और दिल्ली वाले या शहर वाले कह दो यार बहुत अंतर है, भाई कहता 40 रुपये ग्लास है, मैं सिर्फ मन की बात बता रहा हूँ बंदे के मतलब नेचर कैसा, नेचर क्या हृदय कैसे, कहता 40 रुपये ग्लास है भैया, मैं चल 2 बना दे यार तेरे से क्या मोल भाव करना, 2 ग्लास हमने ले लिया, 100 का नोट हमने दिया, कहता 1 ग्लास और ले लो यार, मैं 100 पूरे हो जाएंगे, कहता 100 पूरे कर देना यार, चलो अगले ने बनाया फालतू बन गया,
कहना चलो ले लो यार तुम ऐसे ही ले लो, मतलब और दिल्ली वाले अगर होते ऐसे ना भाई पहला पिज्जा ला, ऐसे होते मतलब प्यार भाव से पिलाई जा रहा यार पी लो, मैं नहीं भाई तू बस कर यार अच्छे लग दो, दो ग्लास पीना थे चार ग्लास, चार ग्लास दे दिए अगले ने यार 100 रुपए ने, फिर भी उसको मैं दे दिया यार इसको एक ग्लास के फालतू दे दे 20 रुपए और दे दिए हमने, ऐसे भी लोग है यार इंसानियत बची हुई है, ये प्रेम भाव में पिलाई जा रहा है, बच्चे यार बच्चे हैं बच्चे हैं, दिल्ली वाले तो नाचने को हो जाए अभी काटने को हो जाएगी, बाकी अभी चल रहा हूँ बस, अब भगत जी वाला आने वाला है वहाँ से मिठाई लेंगे फिर सीधा एक टर्बो गियर डालूंगा दिल्ली तक का। भाई साहब चलते चलते पहुँच गए हैं भगत जी की ये दुकान है, भाई साहब बाहर से दिखा देता हूँ, अगर यहाँ से निकल रहे हो तो इनकी भाई साहब बालूशाही खाना मत भूलना, ओनम कल्पे की देखना पक्का, इतने डब्बे देख के देख रही है अंदर से तो चलते चलते आ गए हैं सुखदेव गेस्ट हाउस एंड भोजनालय, भूख लगी है सबको, रीति क्या खाना बेटा चाप नहीं होगी, भाई सब खाना एक नंबर का था यार, वैसे यहाँ पे खाना बहुत स्वाद था यार, लेडीज़ बना रही थी और बहुत टेस्टी था खाना, यहाँ स्विमिंग पूल भी है आप जाला हटा के नहा सकते हो भाई साहब, अपनी मूली बोई हुई है इन्होंने सारी सारी मूली बोई हुई है सोनम, मीठी थी खाने में जो मूली दी ना इन्होंने, दिल्ली में तो कोड़ी निकल जाती थी, हाँ तिखी एकदम सारी मूली बोई हुई, फोटो करेगा कौन सा गाना करता, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जा रहे, चले इसका बचपन का प्यार कौन है वैसे, चिप्स चॉकलेट मैं बताऊं, नहीं चलो बेटा चलो अब घर चलने हैं, अंधेरा हो जाएगा रिदी में चलते हैं बेटा आ जाओ, सही है थोड़ा अच्छा बना रखा है ना, ये सारे आम के बाग हैं, आम के पेड़ हैं ये सारे, आज ही गर्मियों में आम तोड़ने हो तो कार्तिक महाराज को आगे चुचू चलते हैं, बाकी सीधा वैसे तो दिल्ली यहाँ से रह गया अप्रॉक्स 65 किलोमीटर डेली रह गया, अगर प्लेन रोड मिला मतलब है तो प्लेन रोड ही है बट फिर भी एक सवा घंटे का रास्ता, पर दिल्ली जाके अटक जाएंगे, एक 1.5 घंटा तो दिल्ली में ही चाहिए, बाकी चलते हैं, व्लॉग यहाँ तक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर देना ठीक है, बाकी चलते हैं अब देखूंगा, अब एक टर्बो गेट डालूंगा यहाँ से निकलते समय, ऐसा गेट डालूंगा तुम स्पीड देखना आज तक तुमने किसी गाड़ी में नहीं देखी होगी ऐसी स्पीड, लो अब देखो चलो हाँ भाई कैसा लगा मेरा टर्बो गियर, पहुँचा दिया ना सीधा दिल्ली है देखो, एक मिनट रुक जाओ अभी रेड लाइट पार कर ले दो, बेटा ऐसा टर्बो गियर डाला सिर्फ मैंने अपनी गाड़ी पे लगवाया टाटा वालों से कह के, किसी और गाड़ी में नहीं है ये गियर, बस अब आ गए हैं दिल्ली पहुँच गए हैं जी, बस अब घर तक आराम से पहुँच जाए, अब मिलेगा सारा ट्रैफिक ट्रैफिक जाम ही जाम, बुरा हाल मुस्कुराइए आप दिल्ली में है मुस्कुराइए वो हाल है भाई साहब, आपने यहाँ जाम नहीं देखा तो क्या देखा गाइस, भाई साहब रोड के किनारे और ऐसी मोड़ कचौड़ी हो और एवे थोड़ा पुत्र हो लूदा की बोला यार अपने आप नु गाल कटने वाली गल एवं नलायक है ना ये, और ये पीछे से दबा दूं तेरी मुंडी दबा दूं मैं, चल खाते हैं सीधा घर को निकलते हैं, खा ले खाती थोड़ा खा ले बेटा भूख लगी थी ना कह रहा था, अभी तो घर को बड़ी भूख लग रही थी, खा क्या देख मज्जा आ मज्जा आराम से खाइयो दूल्हे ना रीति पे, वो देखो भाई साहब गड्डी रजिया गुंडों में फंस गई है, गाड़ी में देख रहे हो वो देख रहे हैं मेरी वीडियो बना रहे हैं, बस यार घर पहुंचने लगे हैं बहुत ट्रैफिक था, अभी गाना सुना रहा हूँ किसने अपने अपने टाइम में, मतलब जो सन 2000
की जनरेशन होगी ना, सन 2000 की जनरेशन, उनके गाने हैं ये। मैं पुराने गाने सुन रहा हूँ पंजाबी, अगर किसने सुना हो तो बताना, कॉपीराइट आ जाएगा। अभी किस्तों में सुनाता हूँ आपको। ये सॉन्ग जिन जिन ने सुना होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक मैंने जब बद्रीनाथ जी के लिए निकल रहे थे ना, एक मैंने व्लॉग में बोल रहा था, एक मैं गाना सुना रहा हूँ जो बचपन की यादें ताजे कर देगा, उसमें कॉपीराइट आ गया था तो मैंने म्यूट कर दिया। म्यूट वो भजन था जब कृष्णा नाटक आता था ना पुराने टाइम का, जो कृष्णा बजता था कृष्णा, वो वाला था, उसमें कॉपीराइट आ गया था। ये भी गाना मुझे बहुत पसंद था अपने टाइम पे, अगर किसने सुना होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी घर आने वाला है, 2 मिनट में घर पहुंच जाते हैं, फिर आपसे वार्तालाप और करते हैं। चंगा जी, चंगा जी। चलो जी, यात्रा का आखिरी पड़ाव आ गया, जिनको साथ लेके गए थे उनको विराजमान कर दें मन से। गाड़ी स्टार्ट है, चलो जी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया यात्रा संपूर्ण संपन्न करवाने के लिए। कैसी है आप? तो ठीक है जी, भगवान की कृपा से घर की पार्किंग में आ गए हैं। ठीक है जी, देख रहा है वही 4-5 दिन बाद कोई बदला तो नहीं है, वोटी तो नहीं मेरी बदल गई, देख ला पहले मैं बदल गई, बेबो बन गई, बेबो बन गई है टॉर्ची पा के। यात्रा संपन्न नहीं है जी, बहुत बहुत धन्यवाद नारायण भगवान का, और यहाँ पे ये ब्लॉग करता हूँ मैं एंड। ठीक है जी, कल से फिर आपको वही घर दे कंजर खाने दिखाएंगे। अबे साले तभी कंजर खाना, मजाक कर रहे हो भाई साहब, मजाक कर रहे हैं। ठीक है जी, ब्लॉग का मैं एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, योर ट्रिप पूरी जर्नी अगर किसी ने पूरी देखी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैंने पूरे देखे हैं और आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा मिला, क्या बुरा लगा। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अभी गाड़ी पूरी खाली करनी है क्योंकि इन्होंने अद्धा घर तो एच ही बनाया है। है भाई सोना, मैं एक बात तुम्हें बता दूँ, मेरी बात तुम सुन लो पहले ध्यान से, मेरी वोटी बहुत सोनी है, खाली नहीं कितनी थे, फिर चूहे बढ़ जाएंगे, चूहे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी गाड़ी मैं सारी खाली करता हूँ, कल इसको वॉश करा के खड़ी कर दूंगा अंदर, फिर अब देखेंगे कब निकलना है कब नहीं निकलना है, गाड़ी खड़ी रहेगी। ठीक है जी, अब ये फिर निकलेगी अब न्यूयॉर्क पे, न्यूयॉर्क पे। तो ठीक है जी, इस ब्लॉग का ये एंड करते हैं, अब आराम करेंगे यार पूरा। ठीक है जी, जय राम जी की, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय श्री राम।